आपका शुभ नाम, आप किसके बेटे हैं? नरोत्तम जी के नहीं बेटे, आप अपनी माँ के बेटे हैं, लेकिन आप अपने पिता का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज भी आपके अंदर मुगल घुसा बढ़ रहा है। एक बात ध्यान समझिएगा, अभी भगवान राम से पूछते हैं आप किसके हो, तो कहते मैं कौशल्या नंदन राम। कृष्ण से पूछते हैं, मैं कहा मैं देवकी नंदन कृष्ण। मतलब क्या है? कहा दुनिया में माँ के बेटे होते हैं, पिता के बेटे पिता के अंश होते हैं, इसलिए जिस दिन भारत माता, जिस दिन हमारी माओं का नाम हमसे आगे आने लगेगा, सीताराम राधे श्याम, दुनिया की सबसे शक्तिशाली देवी दुर्गा काली स्त्री, ज्ञान की देवी सरस्वती स्त्री, लक्ष्मी स्त्री, ठीक, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी स्त्री, इनसे धर्म किसी का नहीं खराब हो रहा, सब पानी पी रहे हैं। धर्म कह रहा है जो शास्त्र कह रहा है। शास्त्र क्या कह रहा है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना हो, पहले माँ को प्रणाम करते हैं। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु च सखा तुम, पहले माँ को प्रणाम। आप एक बात समझिए, राधा कृष्ण सीताराम, आपको अपनी माँ का नाम लेने की तकलीफ क्या थी? क्योंकि आपको बताया नहीं गया, इसमें फॉल्ट आपका नहीं है, आपके पिताजी का, वो भी अपने पिताजी का ही नाम लेते। जिस दिन आपके भारत में माँ का नाम पहले आने लगेगा, वो दिन फिर से भारत अखंड हो जाएगा। ये मैं भारत माता की शपथ खा के कहता हूँ, ये गारंटेड, यही हिंदुत्व है, यही सनातन।